नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी एंट्री ले चुका है। हिजाब विवाद के बारे में कई नेता और पार्टियों का बयान सामने आ चुका है। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद पर क्या कहा, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के हिजाब विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जहां इस मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में बड़ी बात कही है। सीएम योगी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर जबरन हिजाब थोपा जाता है और कोई भी अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनता। जी हां, हिजाब विवाद पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई बच्ची अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहन सकती। वहीं भगवा कपड़ों के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो भगवे को किसी बाकी पर नहीं थोप रहे हैं। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गजवाए हिंद का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग तालिबान बनाने का सपना देख रहे हैं, दंगा राज लाने का सपना देख रहे हैं, आधी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं, उनसे तो यही बोलना पड़ेगा कि गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सीएम योगी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोई बच्ची अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहन सकती है। क्या 3 तलाक को महिलाएं अपनी मर्जी से मान लेती हैं? उन बेटियों बहनों से पूछेंगे तो पता चलेगा। मैंने उनका आंखों के आंसू देखे हैं। भगवा पहनने के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि हाँ, मैं इसे अपनी मर्जी से पहन रहा हूँ, लेकिन मैं इसे अपने कार्यालय पर थोप नहीं रहा। क्या मैं कार्यालय में, पार्टी में सबको बोल सकता हूँ कि भगवा पहन कर आओ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सबको स्वतंत्रता है, लेकिन संस्था के अनुशासन का भी ध्यान रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में हुए 2 चरणों के चुनाव पर सीएम योगी ने कहा कि ये कह सकता हूं कि बीजेपी ने जो फिर एक बार 300 पार का लक्ष्य लिया था, उसको पा लेगी। सीएम योगी ने दावा किया है कि पहले चरण की 58 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी 45 से 50 सीटें जीतेगी। इसके साथ साथ सीएम योगी ने कहा कि करहल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल जीतेंगे। करहल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव हैं। एसपी सिंह बघेल पर कभी मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, अब वो उनके बेटे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर पिछले दिनों करहल में हमला हुआ था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने वाली लड़कियों और महिलाओं पर व्यापक विरोध के रूप में आई है। ये मामला 1 महीने पहले तब भड़क गया था जब राज्य के कुछ हिस्सों में कुछ मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसके बाद से ही राज्यों में हिजाब के खिलाफ और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस मुद्दे पर राजनीतिक बयान भी अब तेज हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। We'll be right back.